की बात करते हैं, ठीक है। ये टू में दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, प्लस टू है, दूसरा माइनस नाइन क्यू है, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आप देख रहे हैं तीन रीजन होगा, प्लस टू के इस साइड, माइनस नाइन क्यू के इस साइड और दोनों के बीच। तो पहले हम प्लस टू चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो सपोज दैट यहाँ पे लाके प्लस टू चार्ज रख दिया जाता है, तो जैसा कि आप जानते हैं प्लस है और ये प्लस है, तो इसे सपोज दैट ये फर्स्ट है और ये सेकंड चार्ज है, तो इसके कारण जो बल उत्पन्न होगा वो एफ वन इस साइड में होगा। अब दूसरा है माइनस नाइन टू, तो ये प्लस को अपनी ओर खींचेगा, तो इसके कारण जो होगा वो एफ टू होगा। अब दोनों आप देख रहे हैं एफ नेट, एफ वन और एफ टू की दिशाएं दोनों की सेम है, तो एफ नेट के कभी जीरो होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो यहाँ पे बीच में कभी चार्ज संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। अब यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पर सपोज दैट हम इससे x दूरी पर यहाँ रख देते हैं प्लस टू से, तो यहाँ आप देखेंगे कि प्लस टू के कारण इसको जो फोर्स लगेगा वो इससे दूर लगेगा, एफ वन माइनस नाइन टू इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये हो जाएगा एफ टू। तो इस रीजन में पॉसिबिलिटी है कि चार यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास है, तो और ये जो कम मैग्नीट्यूड का है उससे दूर है, तो इसके कारण जो फोर्स एफ वन होगा वो हमेशा छोटा होगा, और इसके कारण जो मैग्नीट्यूड ये जो फोर्स है एफ टू वो बड़ा होगा, क्योंकि ये पास में भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा है, तो यहाँ पे एफ टू हमेशा, अगर आप कहीं भी रखेंगे एफ टू हमेशा ज्यादा प्राप्त होगा एफ वन से, तो यहाँ भी कभी पॉसिबिलिटी, हालांकि दिशाएं विपरीत है लेकिन पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि एफ टू माइनस एफ वन जीरो हो जाए, ठीक है। तो हम इधर बात करते हैं छोटे मैग्नीट्यूड वाले आवेश की तरफ, हाँ इधर आप देखेंगे तो इधर ये पॉसिबल हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पे आप x दूरी पे रख देते हैं, तो इसके कारण जो फोर्स होगा वो इससे दूरी f1 होगा, और माइनस नाइन क्यू के कारण जो है वो उसकी तरफ होगा, क्योंकि ये प्लस क्यू है तो इसे अपनी ओर खींचेगा, तो इसके कारण f2 होगा। हाँ, अब इससे ये दूर है तो ये फोर्स कम हो सकता है, मैग्नीट्यूड इसका कम होगा, और इसके लिए पास है तो इसका बढ़ेगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको इक्विलिब्रियम स्टेट मिल जाए, तो ये जो रीजन है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एफ नेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एफ नेट जीरो होगा उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, जो फोर्स एफ वन का मैग्नीट्यूड है वो फोर्स एफ टू के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, और आप यहाँ पे सॉल्व करके वो बता सकते हैं जगह, तो यहाँ पे लगाते हैं प्लस क्यू, और प्लस क्यू के बीच कितना फोर्स लगेगा एफ वन, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है एफ टू कितना होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट नाइन क्यू इंटू कैपिटल क्यू और बीच की दूरी एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्यू और कैपिटल क्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा एल प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर नौ के, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए इसे, तो आप देखेंगे एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, ठीक है, या एल प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, हम मान के करते हैं प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, प्लस साइन देते हैं, ठीक है। तो एल प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री एक्स, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर करेंगे तो आएगा 2x बराबर l, तो x बराबर आ जाएगा l बाई टू, ठीक है, l बाई टू के माइनस साइन यहाँ लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं तो कितना होगा l प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो l प्लस x इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस एल बाई फोर, ये आंसर नहीं है एक्सेप्टेबल है, निगेटिव आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन बदल देगा, इधर आ जाएगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है रीजन, तो ये प्लस साइन ही आप मानेंगे, एल बाई टू दूरी पे ही होगा, ठीक है। अब इसका भी एक शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट क्या है, अगर आपको एक्स निकालना है तो आप लिखेंगे रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू टू माइनस ऑफ रूट क्यू वन
इन टू ईयर, ठीक है। क्यू वन जो है वो छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो आप लिखेंगे रूट क्यू डिवाइडेड बाय क्यू टू जो है बड़े मैग्नीट्यूड का है, तो रूट थ्री क्यू करेंगे, रूट नाइन क्यू करेंगे, तो आएगा थ्री रूट क्यू माइनस, अब ये कितना आ जाएगा आपका रूट ऑफ क्यू इंटू एल, जैसा कि है रूट क्यू कर यहाँ नीचे कॉमन करके ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, थ्री माइनस वन दो बचेगा तो कितना होगा एक्स का मान, एक्स का मान हो जाएगा एल बाई टू, ये इतने छोटे में लग सकता है, ठीक है। इसमें हम इक्विलिब्रियम में आप पढ़ चुके हैं, जब भी अपोजिट, आप पिछले लेक्चर में पिछले केस में देखे हैं कि जब भी समान प्रकृति के होंगे तो बीच में स्टेबिलिटी आती है, इक्विलिब्रियम आता है, और जब भी विपरीत प्रकृति के होंगे तो बाहर आता है, इधर छोटे वाले मैग्नेट, छोटे वाले आवेश के साइड में, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे स्टेबल क्या होता है, यदि ये चार्ज यहाँ स्टेबल यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है और इसे यहाँ से थोड़ा सा भी विस्थापित करने के पश्चात ये पुनः अपनी जगह वापस आ जाता है तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा भी इधर उधर विस्थापित करने पे ये पुनः अपनी जगह पे वापस नहीं आता है तो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बुक का, ठीक है, और यह सवाल आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप कूलॉम के नियम पे सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, असाइनमेंट भी आपको मिला था, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में देखेंगे। थैंक यू, नमस्कार।